नगरी ओंकारेश्वर में अज्ञात हमलावरों ने सराफा व्यवसायी के साथ की लूट। सनावद निवासी परितोष पिता राजेंद्र सोनी को गोली मारकर लाखों के गहने भी लूटे। घायल परितोष सोनी ओंकारेश्वर में ज्वेलरी की दुकान का संचालन करते हैं, वही रोज की तरह ही वे आज भी पहुंचे थे। साथ ही घटना के बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कंधे पर चोट लगने का इलाज जारी रहा। सुबह 10 बजे बाजार में ही गोली मार कर इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस जांच में जुट गई और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। गाड़ी खड़ी करके उन्होंने गाड़ी रुकवाई आपकी? नहीं, बीच में खड़ी थी उनकी गाड़ी पहले से। अच्छा, कितने लोग थे वो? तीन जने। तो उन्होंने क्या एकदम आते से फायर करा कि कुछ बातचीत करी? कहीं नहीं, पहले फायर किया तो कांच फोड़ के बुलेट अंदर लगी। अच्छा, आप आपकी कार से थे? चेहरे को मास्क वगैरह पहना थे क्या? नहीं, खुले। पहचानते हो आप उनको? नहीं कुछ नहीं। क्या नाम है आपका पूरा? परितोष। हमला करने वालों की उम्र क्या लग रही थी? 40 साल से ऊपर थे। 40 साल से ऊपर थे। कितने लोग थे? तीन जने। क्या घटना के बाद फरार हो गया वाला लड़का है, उसको भी दादा दरबार रेफर किया है। वो थाना प्रभारी महोदय को बताया, वरिष्ठ अधिकारियों को बताया है, FSL के लिए जो टीम है उनको सर को भी बताया। तो वो लोग आ रहे हैं, जो आरोपी थे वो गाड़ी उसको अपने कब्जे में ले लिया है। भोगांव के पास में गाड़ी खड़ी है और आगे की जो जानकारी है वो उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी जो मजरूह है वो हॉस्पिटल में एडमिट है।